हमारा वो सिर्फ बस है आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड ये है जोहा वो है फलक बट उसी के दर असली मेरा ख्याल है आज ओजरियां कठियां कर रहे हैं एक घंटे तो हो गई थोड़ी मखा चौधरी हो सर हाँ जी हाँ जी जितना मैं तेरे शो च आ चुके हैं ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਚੌਧਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਸੀ ਦਾ ਖੌਫ ਦਾ ਗੱਲ ਛੋੜ ਯਾਰ ਮੋਸਨ ਪਾਪਾ ਅਕਸਰ ਓਏ ਹੈਦਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਗਰਮ ਜੋਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਤ 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 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਈ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਕਾਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ओके फिल्म की हिरवन यानी चुधरानी ने डाइटिंग शुरू कर दी है अलसी की पिनिया पंजीरी भांडा सब कुछ वाफर मकदार में बनवा लिया है इतनी ताकत वाली चीजें चौधरानी ने इकट्ठे करके फिल्मों में काम करना या चपेड़ों वाली कबड्डी खेलनी है चपेड़ों वाली कबड्डी तो वो रोजाना ही खेलती है लेकिन चौधरी के साथ सुनो सुनो हार हमेशा चौधरी की होती है ले भी मोशन पापा हां जी तुसाने आज दे गेस्ट को लो मैं इतने फिल्म में गाने गवासा इतने गवासा कि अल्लाह दे हुक्म नालो गाने तो तौबा कर ले तो खवातीनो हजरात आज का पब्लिक डिमांड अपनी तर्ज का एक मुनफरिद पब्लिक डिमांड होने वाला है क्योंकि आज होगा इसमें सहाफत म्यूजिक और सियासत का फ्यूजन समझ लीजिए एक मतंजन बनाने वाला है और एक मुख्तलिफ रंग निकलेंगे क्योंकि आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं वो अरिजीत सिंह की तरह तेजी से पॉपुलर होने वाले जर्नलिस्ट हैं जबकि हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के दस्तियाब स्टॉक में मोहम्मद रफी साहब को गाने वाले बेहतरीन गायक हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन तशरीफ लाते हैं फहद शहबाज खान साहब और खालिद बेग साहब है वो सर वेलकम टू पब्लिक डिमांड इट्स माय प्लेजर सर बहुत शुक्रिया जी आपका बड़ी नवाजिश बेग साहब सबसे पहला सवाल तो ये है कि बिजली का बिल देखकर स्केल ऊपर चला जाता है या आवाज बिल्कुल बह जाती है कल चमन था आज एक सहरा हुआ तो इसी से जवाब अखज़ कर लिया जाए गोया आप जो है वो बिजली का बिल देखकर ये तो नहीं गाते कि ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले यही है यही आप यही कह सकते हैं यही आलम है कुछ ओके ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले ओ भाई लेस्को वाले तेनू कह रहे हैं बिजली का बिल देकर आपके अंदर का एंग्री यंग मैन जाग जाता है या आपकी भी बोलती बंद हो जाती है तो अब तो क्यामत की तरह वो गिरता है आप बिजली की तरह गिर जाता है दबाव बर्बाद कर देता है बिल तो आपकी हालत क्या होती है उस वक्त वो देखिए वो जो हैव नॉट्स हैं जिनकी जंग हम लड़ते हैं आप लोग सारे जिनकी तर्जमानी कर रहे हैं उनका क्या हाल है आप वो देखिए ओए सर वो जो कलमा पहला निकलता है आपके मुंह से वो कह सकते हैं टीवी पे हम यूनिट देखन तो बाद जेड़ा ही बंदा कहना तेरी मैं इज्जत करा या ना करा बहुत भाई बिल तन तनहा देते हैं या फिर आपने कंसोर्टियम बना रखा है अंजुमन सताइश बाहमी की जगह अंजमन ऐसी बना रखी है जो बिल इकट्ठा करके दे और कमेटियां डालनी पड़ती हैं और कमेटी वाली भाग जाती है क्या बात है वैसे अंजमन नु तो फिक्र ही नहीं जिन्ना मर्जी बिल आ जाए कुछ नहीं देना होता ना फिक्र तो रीमा नु भी नहीं है बेग साहब फाद भाई पूरे होशो हवास में प्रेस क्लब दी पहाड़ी ते बैठ के मैं कुछ माइये लिखने थोड़े ऐसे ले आवां प्रेस क्लब की पहाड़ी और होशो हवास ये खुला तजाद है भाई सर अल्लाह की कसम मैं सिर्फ निमको खाती हो कोई सोने दी देग होवे भाई कोई सोने दी देग होवे महक आवे रफी साहब दी है जिथे खालिद बेग कोई हाथ विच साज माया
हाथ विच साज माया ओ गल करे एक तन के ओए वाहद शहबाज माया यकीन आप कीजिए कि आप फीडबैक जो है ना ये गुलदस्ते की मानिंदा है अरे। और ये मुरझा जाता है अगर ना पहुंचाया जाए तो जो कैनवस इस सेट पे और जिस तरीके से आपने बिखेरी हैं अपनी खुशबू है आप यकीन कीजिए कि कह कहा छोटा लफ्ज है वाह 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 और मैं अब ये देखिए मैं आया सेट पे जब और जब भी ये इनका गेटअप आप देखें हाँ जी ये रियल गेटअप से भी आगे का लग रहा है yes, sir. वो जैसे चार्ली चैप्लिन बैठ गए और जो उसकी पैरोडी कर रहे थे उनको अवार्ड मिल गया वाह 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 ये वो आप लोग सारा काम sir, कर रहे हैं स्टार की गैलेक्सीज है जो इकट्ठी है और एक बात और जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है कि इतना टू द पॉइंट काम कॉमेडी को लेकर पाकिस्तान में मैंने पहले नहीं देखा अच्छा सर मैं अभी के मुल्क से काफी अरसा बाहर रहा तो जब मैंने वहाँ ये प्रोग्राम देखा तो आप यकीन जानिए कि मैं कहूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम अरे। और हमारे जो ताहिर सरवर मीर साहब हैं इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जब भी जाऊँ और सबसे पहला शो जो है वो वहाँ जाके करूँ और यही हुआ है कि मैं जब से आया हूँ पहला शो मैं और यहीं पर अपना पब्लिक डिमांड में कर रहा हूँ ਖਾਲਦ ਬੇਗ ਪਾਪਾ ਤੇ ਫਾਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਓ ਯੈਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਤਨੇ ਆਲਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪਲੇਬੈਕ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 뮤직 ਕੀ ਔਰ ਆਰਟ ਕੀ ਵੀ ਇਵਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਥਾ ਕਿ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਸਭ ਸੇ ਟਫ ਟ੍ਰੀਨ ਗੈਸਟ ਕੋ ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੇ ਔਰ ਉਮਦਗੀ ਸੇ ਉਨਕੋ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਔਰ ਇਸੇ ਆਪ ਉਰਫੇ ਆਮ ਮੇ ਪੰਜ ਪਟੀਆ ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਜੈਨੀਅਨ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥਾ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਬੈਠਾ ਇਨਕੀ ਇੰਟਰੀ ਥੀ ਔਰ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕੌਨ ਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਤੋ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਟੱਚ ਮੀ ਟੱਚ ਮੀ ਟੱਚ ਮੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨਜਮੀ 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 ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਬਣੇ ਟੱਚ ਮੀ ਟੱਚ ਮੀ ਟੱਚ ਮੀ ਓ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨਜਮੀ 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 16 ਦਫਾ ਮੈਨੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੋ ਮੇ ਔਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ इससे पहले कि आवाम को ये लगने लगे कि फहद भाई ने आपसे कुछ बरामद करवा लिया हो बैठी बिग साहब सर्दियों की आमद आमद है और गैस पाकिस्तान में बिल्कुल ही तबर्रुक की तरह मिल रही है सर तो क्या सोचा सर आपने रोज नहाएंगे या फिर एक बार छिला ही ना होगे मेरे ख्याल मौजूदा जो हालात है उसमें छिला ही बेहतर है जी जी बिग साहब नाल नानगे तो नाल गानगे क्या ये छिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के बीच शैंपू ला ले 20वीं सदी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है सर महबूब लंदन से आए थे या जेल से मेरे ख्याल में ये महबूब वो महबूब नहीं है क्योंकि ये गाना जब लिखा गया तो हमारी दोस्त हैं किशोर साहिबा जो हसरत जयपुरी साहब की बेटी हैं अच्छा 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 तो उन्होंने बताया कि ये गाना फिल्म के लिए नहीं लिखा गया था ये हमारे अब्बा ने छब्बे मेराज की रात थी उस वक्त ये लिखा था
लेकिन फिल्म की डिमांड इसके मुताबिक क्योंकि थी okay. और फिर ये गाना जो है वो शंकर जयकिशन साहब को दिया गया uh-huh. और फिर ये गाना जो है वो उसमें आया कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है okay. वो महबूब वो है महबूब खुदा की बात हो हाँ जी अरे क्या बात क्या बात अरे एक सेकंड मैं जरा आप क्यों बैठ रहे मेरा हल्ले हो रहे हैं क्या भगा भगा के मार रहे हो मुझे यार तुम लोग सर जैसे विधाता फिल्म में ये जो मंजर आपके सामने पेश किया दिलीप कुमार साहब के बेटे को विलन पार्टी भगाती है सर आप भी तो ऐसे ही भगाते हैं सियासतदानों को उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हैं सर क्यों सर जो योनरा मैं खेल रहा हूँ वो पब्लिक डिमांड में आपने उसकी री एनेक्टमेंट कर दी है बड़ी जबरदस्त बात है ये तो लेकिन असल बात ये है कि मैं जेन्युइन क्यूरियोसिटी लेके जाता हूँ बात पूछने और मेरे दिल के अंदर किसी पार्टी का भगवान नहीं रहता मैं वो सिर्फ डायरेक्टली आवाम को डील करता हूँ तो मुझे पता है कि उनकी उनकी आंखों में जो मैं हैव नॉट्स की महरूमियाँ देखता हूँ ना आप ये देखिए कि वो लोग जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन बच्चों के स्कूल जाने के वो उनके घरों तक भी नहीं जाते उनसे पूछने कि अद्वियात के पैसे वो कहाँ से लेते हैं आए, आए। और आप यकीन कीजिए कि लोगों के पास दवा खाने के पैसे नहीं हाय 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 मोहसिन पापा हाँ जी फाज शबाज साहब की तक के ना यार मैं किसी और दुनिया चला गया आहा तुम उस दुनिया में तो नहीं चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता जी जी ओ दुनिया है चौधरानी दा दिल ना जी मोहसिन पापा जनाब दुनिया ने सुपर हीरो भी तक लिया ओ यस ते सुपर कॉप भी तक लिया हां लेकिन किसी ने सुपर जर्नलिस्ट नहीं तकया ओ तुसा की पर्दा स्क्रीन ते मैं तकासा रियली यस वन लाइनर पेश किया जा ओके ले जी मोहसिन पापा चौधरी बुलंद बख्त ते वार्नर ब्रदर्स दी आज जाना पेश कर आए हाय हाय लो जी इंज करके फ्रेम खुलिया हीरो कल्ला खलता है इंज करके विलन आए ने तो उना कोल असल है लेकिन हीरो बेचारा खाली हाथ नहीं होते कोल माइक है ऐसे दौरान स्क्रीन ते ठा करके टाइटल डिग गया क्या रिपोर्टर गुज्जर आइडिया तो अच्छा है लेकिन हिट तब होगा जब चुदरानी के 6 आइटम सॉन्ग डालोगे मैं तो कहना जी चुदरानी के 10 आइटम सॉन्ग कठे बनावा ओके एक ही सीडी च पावा ते उसा रिलीज करा ते उदा नाम रखा गद्दार कन्या कन्या धर धर गद्दार कन्या चुदरानी के डांस करदी करदी अटारी बॉर्डर पार कर गई अटारी नाल उन्हें ब्याह ते कीता होया बेग साहब आपकी आवाज की जो रिजेम्बलेंस है रफी साहब के साथ जी ये पैदाइशी है ये मेहनत करके बनाई है नहीं पैदाइशी है ये कुदरती होता है रफी साहब की आवाज को कोई बनाना चाहे तो नहीं बन सकती जब तक खुदा की तरफ से ना हो बहुत अच्छा मैं रफी साहब के घर भी रहा उनके कब्र पे भी गए अकीदत की बात है वो अल्लाह ने फिर वो दे दी अपना वाह मोहसिन पापे के गेस्ट बुलाए एक पास रफी साहब की आवाज दूसरे पास जमहूरियत की आवाज आप हुक्मरानों के सामने माइक लेके खड़े हो जाते हैं कभी मेरा इंटरव्यू भी कीजिए मैं भी आपको बताऊं कि इस जानलेवा महंगाई में खूबसूरत दिखना भी कितना महंगा पड़ रहा है अब चौधरी फाह साहब और तुसी आम औरतों की नुमाइंदगी करते ही हो खूबसूरत औरतों की आवाज कौन उठाएगा वो आप लोग हैं ना खूबसूरती नहीं मैं तो समाज का वो आपको दिखाना है रुख दिखाना है कि जो देखा ना जाए आए। और सहा ना जाए आपसे अल्लाह इतना हसीन समाज हमारा हो तो हमें और क्या चाहिए भाई सर अनवर हुसैन साहब शबीर कुमार साहब और सोनू निगम साहब हैं इन समेत बहुत से और भी गायक हैं कि जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब को कॉपी करने की कोशिश की आपके ख्याल में उनके करीब करीब कौन पहुंच सका अनवर साहब मेरी सबसे ही मुलाकात रही शबीर साहब से भी मुलाकात रही सोनू निगम से भी बाहर मुलाकात हुई और अनवर साहब से मेरी लंदन में मुलाकात हुई okay. और वो सबसे ज्यादा करीब रफी साहब पे वो गाते लेकिन सर हमारे पास तो आप मयसर हैं और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं सर इन बच्चों की उम्मीदों पे पूरा उतरे ना सर वेल डन भाई वेल लिखे जो खत तुझे
हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे अब ये तो थे रफ़ी साहब जी जी। अब अनवर साहब का जो स्टाइल था वो भी क्योंकि रफ़ी साहब को ही गाते थे yes. तो उनका प्लीज सर प्लीज 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 मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। सर मियां फैमिली जो है शरीफ बरादरान और उनके अहलो याल रफी साहब के बहुत फैन है, बल्कि उनके साहबजादे ने अपनी शादी पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो रफी साहब का गीत भी गाया था। आपके ख्याल में मियां फैमिली में सबसे अच्छा रफी साहब को कौन गाता है? मैं 16 महीने का पीडीएम अगर टाइम ना गुजारा होता तो मैं इसका जवाब दे पाता, लेकिन मेरा ख्याल है वो मुकेश के ज्यादा करीब है। बिल्कुल ठीक आखिया जी, असल च फैन वड़े मियां साहब मोहम्मद रफी साहब दे ने, लेकिन मुकेश नाल भी काम चला लेंदे ने बॉर्डरों पार फोन चून करके। असल की पता नहीं गाना भला केड़ा सुनांदे सर। केड़ा अब तू चुप कर रहा है ए बेग साहब, प्लीज थोड़ा सुना सुना दे सर कौन सा था वो गीत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना। भाई यहां तो बतिया था, लेकिन आपको मैं क्लियर करता चलूं कि मियां साहब का फलसफा है ये कि वो हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं ऑफ कोर्स। देखिए वाजपेयी हो मोदी हो, मियां साहब हमेशा उनसे बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे। कल मोहसिन पापे ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब मोहम्मद रफी साहब नु सुनदे भी सन ते गांदे भी बहुत अच्छा ने, लेकिन जेड़े छोटे मियां साहब ने मियां शबाज शरीफ साहब ओ मेहनत करन दे बाद अहमद रुश्दी तक ही पहुंच सके। ओके हां, मियां साहब ने छोटे भाई को सब कुछ सिखाया है। अच्छा, लेकिन रफी साहब को सुनना, मुईशत ठीक करना और दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह, वेल्डन वेल्डन यार चौधरी कमबख्त वेल्डन। अच्छा पढ़िया, अरे तू बड़े बॉस नु गल्ला करना है, मैं तेरी तनख्वाह 48 तारीख नु भी नहीं देगा। यस लॉस। आई वांट इट, लेट आउट योर पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। बिग साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कभी शरीफ फैमिली के आगे परफॉर्म किया? बहुत ज्यादा। तो मुझे बताएं कि एज ऑडियंस वो लोग कैसे? हाँ, ऑडियंस ऐसी मैंने पाकिस्तान में शायद नहीं देखी। एक तो मैंने उनके घर में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें बेगम साहब भी शामिल थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके घर में जो प्रोग्राम किए और उनका जो सुनने का जो अंदाज था वो पूरे पाकिस्तान में शायद किसी का भी नहीं होगा। ये उनका अंदाज था सुनने का, मैं सामने 5 घंटे में खड़ा रहा गाता रहा और ये सुनने का अंदाज था उनका ये। लेकिन जब कोई अच्छा गाना या चौधरी का चांद को इस तरह तो बेगम के साहब की तरफ इस तरह देखते थे और मुस्कुराते थे, और बेगम साहब मुस्कुराती थी, ये उनका अंदाज था उनका, एक रोमानवी सी स्माइल पास करते थे। जारी, लेकिन एक बात और थी कि जितने भी गाने मैंने सुनाए उनको जबानी तमाम गाने याद थे और वो लिप सिंक कर रहे थे हर गाने के ऊपर। भाई वाह, मैं और मियां साहब अमेरिका में भी मैनहट्टन में हम इकट्ठे रहे। ओ हां हां हां, आप उधर इकट्ठे रहे, मियां साहब उधर कांगो बजाते थे। अरे नहीं, वो मियां साहब बहुत अच्छा गाते हैं आपको पता नहीं है, बल्कि उनकी तमाम फैमिली, उनका गाना भी तो आपको पता है कितना मशहूर हुआ वो क्या हुआ तेरा वादा। जी जी, बल्कि ये जुनेद सफदर साहब, हम जब भी अपना घर में गए तो ये जो जुनेद सफदर है ये बड़े अच्छे बड़े अखलाक वाले गए, अखलाक तो इन पे खत्म है, ये जो बात पक्की है ना। तकरीबन सबके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन जो सुनने का अंदाज मियां साहब की फैमिली में देखा वो कहीं नहीं देखा। भाई वाह। अच्छा एक बारी मैं तो चौई साहब भी गया मियां साहब के घर फंक्शन थे। हां, कोई मेरा ख्याल है 30-40 मिनट असी उन्होंने हंसाया, बड़े पैसे उन्होंने साडे ते सुटे,
बाद चो माइक फड़ के उन्होंने गाना सुनाया सी वापस उन्होंने सुटते चौधरी एतजाज अहसन साहब को आपने आईनी रिवर्स स्विंग करवाई, रजा रबानी साहब को आपने जमहूरी लेग कटर फेंका सर, आमिर मीर को सहाफी बाउंसर दे मारा और मोहसिन नकवी को निगरान यॉर्कर करवा दिया सर। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था, उन्हें ऐसी कौन सी वैरायटी करवाई? ये बाउंसर था। एक तो जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है उस पे दाद है आपको। दूसरा शहबाज शरीफ साहब से हमने सिर्फ ये पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की जिस जज ने इनको छोड़ा था उसको 21 दिन के अंदर अंदर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं आऊंगा और मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। तो ये दिस हैपेंड बेसिकली। ये बाकायदा आपने बाउंसर मारा शोएब अख्तर वाला यूं करके जो टॉस किया उन्होंने, बल्कि मुझे लगता है वो जैसा गांगुली दी पसलियां दे वजह सी ना ए ओ सी। मेरा ख्याल मुश्किल हो जाता है यार फाद पापा ओली ओली तुसी सहाफत दे इमरान हाशमी बनी जा रहे हो। अब तुसा की पता नहीं ओदे नाल भी होण कोई लड़की हेलमेट पा के भी परफॉर्म करन नु तैयार नहीं। हाय 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 आ फाद पापा के पे ना कमाच उठो माड़े नाल एग्रीमेंट साइन करो बिल्कुल उस तरह जिस तरह फवाद खान ने करण जौहर नाल कीता सी। बनानी है फिल्म ही ने ना। नहीं नहीं बच्चों वास्ते भी कुछ बना ले सा। यार फाद पापा फिल्म ही बना सा ना मेरी जान और मेनू आंदा के है कख भी नहीं। ओ यार फाद पापा छड़ो इना गल्ला की तुसी माड़ी फिल्म साइन करो फिल्म च तुसा होसो हीरो वाह प्ले बैक ने तौर ते काम करसन पापा खालिद बैक हाय 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 ए जेड़ा तुसी फाद पापे गल गल ते गेस्ट दे मुंह च माइक देंदे हो ना इस तो मुतासर होके मैं फिल्म बना रहा ते फिल्म दा नाम भला के हो सी खल माइक इमोशनल फिल्म बना ते ना आवे ये सब मेरे माइक की दुआ है। आय हाय 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 कितना अच्छा ना दसिया मेरा दिल करदा चुदरानी नु बंजारन वाले कपड़े पावा ते इस फिल्म दे विच चुदरानी दा टाइटल सॉन्ग पावा क्या मैं माइके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो ने माइके। रफी साहब की फैमिली से भी आपकी मुलाकात रही जी और आपने यकीनन उनके सामने परफॉर्म भी किया सर क्या जज्बात थे उनके भी और आपके भी? जज्बात की मैं बताऊंगा मुझे वहां से एक एलपी आया जो रफी साहब की बेटी ने और उनके दामाद ने परवेज साहब ने मुझे भेजा है और वही एलपी दो एलपी एक में दो एलपी होते हैं जो उन्होंने मोहम्मद अली बॉक्सर साहब को दिए थे वही उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। वाह वाह वाह। और उनकी बेटी ने अभी जब अनाउंस किया वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि पूछा कि पाकिस्तान में अब आपका कौन रहता है तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे चचा थे उनकी तो डेथ हो गई है अब मेरा भाई रहता है वहाँ पर जिसका नाम खालिद बेग है वो हमारे अब्बा की तरह वो हमारे अब्बा की तरह मुस्कुरा के गाते हैं। आए हाय। तो सर जब आपने वो घर देखा जहाँ पे रफ़ी साहब उठते बैठते हंसते खेलते रियाज करते थे तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब मैं उनके घर में पहली दफ़ा दाखिल हुआ तो बाहर एक तख्ती लगी हुई थी कि वहाँ पे रफ़ी मेंशन लिखा हुआ था मोहम्मद रफ़ी हाउस। तो उस वक्त वो जो जो मेरी कैफियत थी जो मैंने वहाँ पर देखा तो जैसे ही एंटर हुआ तो बस एक अजीब सा एहसास था एक और उनकी गाड़ी नज़र आई गाड़ी को हाथ लगा के देखा रफ़ी साहब इस गाड़ी में फिर जैसे जैसे ऊपर जाता गया मैं तो दिल की धड़कन जी वो तेज़ होती गई और फिर उनके बेटे से शाहिद साहब से मुलाकात हुई क्या बात। फिर उन्होंने अंदर जब उनके म्यूज़िक रूम में गए तो बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी सितार देखा तबला देखा भाई सबको मैंने फिर हाथ लगा के फिर उनके जो एलपीज थे या उनकी जो तस्वीरें वगैरह थी वो सारी चीज़ें अपना देखी। बात सर स्टूडियो में शो करना और रोड शो करना मानो जैसे एक प्लेबैक सिंगिंग और एक मेले में गाना आपको क्या पसंद है? हमारा जो कल्चर है वो सारे का सारा तो मेलों से डिपिक्ट होता था। बिल्कुल ठीक। उस मेले में प्लेबैक सिंगिंग हो रही होती थी और मौत का कुआं भी था और वहीं इश्क की और लोक दास्तानें जन्म लेती थी जी जी। और वो मेले जब आपने बंद कर दिए तो तहजीब का दरवाजा बंद कर दिया सकाफत के दरवाजे आपने बंद कर दिए तो हमारे पास तो फिर रोड शोज ही बचते हैं। सर रफी साहब के कौन से गाने को आप ब्रेकिंग न्यूज का दर्जा दे सकते हैं? अब एक है बहारो फूल बरसाओ उसमें तो मतलब वो किसी की आमद का ऐलान हो रहा है और दूसरा है कि तुम जो मिल गए हो ये तो बड़ी एक पर्सनल सी फीलिंग है। देखिए बात ये है कि दोनों की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है जी। अब उस सिचुएशन के मुताबिक जो गाना बनाया गया जो हुआ वो उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जैसे मोहसिन साहब ने बताया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना जो है ना वो है जी जी। और फिर ये जो तुम जो मिल गए हो
तो ये लगता है कि जहां मिल गया है तो इसकी अपनी जगह पे एक जगह है। सर इस गीत से वैसे मुझे याद आया कि ये गीत तो मियां साहब भी गाते होंगे जितनी उनको पावर्स मिल गई हैं, कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। आपको नहीं लगता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस भी पॉलिटिकल लीडर के साथ कोई ज्यादती हो जाती है या कोई उसके राइट्स गजब कर लिए जाते हैं तो वो तो अपने राइट्स लेने की पावर रखता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो पॉलिटिकल एलीट है। हाँ जी। लेकिन जिस अवाम के राइट्स रोज गजब हो रहे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि वो अपना हक भी ले सके, तो ये प्रॉब्लम चल रहा है बेसिकली। हाय हाय, वैसे मियां साहब को जिन्नी पावर मिल गई है बंदा प्यार ना उन्होंने पावर मानी का भी कह सकता है। सर कहा यह जा रहा है कि मियां साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनको चौथी बार वजीर आजम बनाया जाएगा, तभी वो लौट कर आए हैं। आपकी सहाफती हिस्स क्या कहती है सर? मैं इधर हामिद मीर साहब को कोट करूंगा, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग में शायद अपीयर हुए तो उन्होंने उसमें कहा था कि किंग्स पार्टी जिसको किंग्स पार्टी शो किया जा रहा है तो शायद ये किंग्स पार्टी ना रहे, शायद को नकब लगा ली जाए। इसी तरह ही उन्होंने फिर किताब चोरी शुजात हुसैन की दिखाई और उन्होंने दिखाया कि 2002 में चोरी शुजात कह रहे हैं कि हमें बना के संवार के तो किंग्स पार्टी बना दिया गया, और वही चोरी शुजात बता रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने 2008 में हमें हरा दिया। तो वो कुछ मुख्तलिफ थीसिस बयान कर रहे हैं मेरे ख्याल। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है दाना पा के बुला लिया तो उनके रिलेशन बस। मैं क्या नहीं मैं लग रहा नहीं गए। यार मैं तो सोच रहा था कि फाच बाज ना मैं लवा एडिशन, लेकिन तू तो पूरा इंटरव्यू ठोक बजा के ले लिया। हूं मैं बड़ा सा डायरेक्ट फिल्म ते फिल्म ने टाइटल पला की है के? एक था एंकर। मैं के गर्म जोरा। हाँ जी। और 70 सीसी मोटरसाइकिल नु हार्ले डेविडसन समझने वाले ऐ दोस्त नु भी और फिल्म च कोई रोल दे दे यार। और छोटा मोटा चंगा भला रोल है मेरे सोने मोहसिन पापे दा। हीरो असल च एदे कतल दा ते बदला लैण निकलदा है। रियली? यस। कतल कब होता है? जदों फिल्म दे नंबर चलदे ने ना उना नंबरां च तू कतल हो जाना। अच्छा उधरी मोहसिन दिल छोटा ना कर, लगभग 4 महीने बाद तू अचानक नमूदार हो जाना है ते असी फिल्म बना देनी है एंकर जिंदा है। और कैसे जिंदा है एंकर? इसी बात पे शर्मिंदा है। मोहसिन पापे जी फिल्म दी नोयत है वे के फाद पापा है मेरी फिल्म दा हीरो, क्या बात, ते खालिद बेग पापा है फिल्म दा सिंगर, ते फिल्म दे विच आइटम गर्ल है चौधराणी। दर दरा की पे बकवास करना है? ओ चोई साहब तुसा की गलत लगा, असल च मेरे कहने दा मतलब है कि चौधराणी असानी फिल्म नी प्रोटैगनिस्ट है। की करैक्टर बनाया है चौधराणी दा? मरकजी किरदार है, मरकजी जिंज तेनू समझ नहीं ना आंदी, मेरा दिल करदा हुकूमत नू कमाए अफगानी है। और रोल वो ही बनाओ जो मदर इंडिया में नरगस दत्त का था, फहद की अम्मी का रोल करेगी चुदरानी और सेट पर आग लगेगी। यानी सुनील दत्त आके हीरोइन को बचाएंगे? यस। दोनों की प्यार हो जाएगी? यस। अखा चखा पैसन तो ब्याह हो जासी? वाह। ब्याह तो ठीक साल बाद, फिर संजू बाबा की तरह फहद दत्त पैदा हो जाएंगे। पैदा होते ही खराब हो जाएगा और वड्डे होके नशे भी करेगा। देखना नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए। और संजू बाबा की तरह इनका इलाज अमेरिका में होगा या यहाँ किसी लोकल बहाली सेंटर में होगा? तू तो सोच रही है ना, मैं अगला फ्रेम सोच रहा हूँ। फाद पापे ने उस तरह ना टेंड कराई है, ओए हाय एंज करके काले कपड़े पा के बैठा है ते मोहसिन पापा अगे खलो के कह रहा है चिकनी चमेली बउआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुपके आके बउआ चढ़ा के आई। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। और अगला सवाल फहद भाई आपसे है कि प्लेबैक सिंगिंग में सबके आइडियल है मोहम्मद रफी साहब, जर्नलिज्म के मोहम्मद रफी आप किनको मानते हैं? इसमें 3 नाम शामिल करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। ओके। एजाज सैयद शामिल करने पड़ेंगे, हामिद मीर और सुहेल बड़ाई साहब। ठीक है, ये तो 3 पाकिस्तानी जर्नलिज्म के मोहम्मद रफी हैं। ओके, तो किशोर कुमार कौन है? ये ज्यादा इसमें कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ हो जाता है। चलिए हम आपकी मुश्किल आसान किए देते हैं,
शाहसेब खान ज़ादा साहब, काशिफ अब्बासी साहब और कामरान खान साहब। कामरान खान तो नुशाद हैं और जो शाहसेब खान ज़ादा साहब हैं उन्हें आप किशोर कुमार उनसे। ओके बिल्कुल सर, फीमेल एंकर्स की नसीबो लाल कौन है और आबिदा परवीन साहिबा कौन? क्या क्या लाइन है भाई बोल रहे हैं आप भाई तो ये नसीबों का दर्जा आज आप ही ले लें। अच्छा मैं नसीबो बन जाता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका जितना पक्का सुर है, हाँ उनके कंटेंट में हम एतराज कर सकते हैं कि उनके हिस्से में जो गीत आए, लेकिन हाँ इस पे मुझे आपकी काबिलियत पे ये शक जरूर हो रहा है कि आपके पास मेल एंकर्स तो थे शो ऑफ करने के लिए, लेकिन फीमेल एंकर में आपके पास नाम है। रुस्या नगर मेरी जान सजना। मेरा उसमें आप मुनीजे साहिबा शामिल करें। आपकी मुराद है मुनीजे जहांगीर साहब। मुनीजे जहांगीर साहब ठीक है, वो नसीबो लाल होगी। आबिदा परवीन साहिबा कौन? उसमें आप आसमा शराजी साहिबा को। ठीक है, विजुअली आसमा शराजी साहिबा जो है वो जरा खुश शक्ल भी है और थोड़ी स्मार्ट है, तो मेरे ख्याल में इस ओहदे पर हम कतरीना हुसैन साहिबा को फाइज कर देते हैं। ठीक। मीडिया की लता मंगेशकर कौन है? मीडिया में इस दर्जे पे कोई फाइज नहीं हो सकी। क्या बात है, क्या बात है। और मलिका तरन्नुम नूर जहां कौन है? अब मेरा ख्याल वो भी इस दर्जे तक भी खातीन में, खास तौर पे जर्नलिज्म के मैदान में। चलिए ये तो हमने एक तकाबली जायजा कर लिया, लेकिन आप किसका गीत सुनते हैं? मेरी इंस्पिरेशन लता जी हैं। ओके बिल्कुल ठीक। सर लगे हाथ ये भी बता दें कि सहाफत का चाहत फतेह अली खान कौन है? सर कोई एक हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कोई एक हो तो बताएं। देख सर, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तो है ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री भी ना होने के बराबर है। सर इसकी कमी महसूस करते हुए आपका प्लेबैक में इस्तेमाल नहीं हो सका, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो आपके सवाल में ही ये जवाब छुपा हुआ है। असल बात यह है कि यहाँ पे फनकार शनास लोग नहीं हैं। आपको पता है कि यहाँ से कितने लोग जो हैं वो छोड़ के तो दूसरे मुल्क में चले गए, हमारे पड़ोसी मुल्क में चले गए। दिलीप साहब चले गए, रफ़ी साहब चले गए, बड़े गुलाम अली खान साहब चले गए। वो क्यों छोड़ के गए? यही वजह है कि यहाँ पे फनकार शनास नहीं है। बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे पाकिस्तान के, एक दिन हम एक ही टेबल पर बैठे हुए थे, वो कहने लगे बेग साहब किसी फिल्म के लिए गाइए ना। तो मैं बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था, ये मुझे क्या कह रहे हैं, ये फिल्में तो आप बनाते हैं और इंडिया से मुझे ऑफर्स हैं। बिल्कुल कि आप यहाँ आ जाइए, वो मुल्क आपके लिए नहीं है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? फिर हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जाते हैं अमेरिका, कनाडा, जापान, इधर उधर जाते हैं और उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। बेग साहब, फहद भाई, अब आप लोगों से होंगे कुछ डबल विकेट टाइप के सवाल। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया जवाब मिल जाएंगे हमें। रेडी आप? जी प्लीज। ओके, मोहम्मद रफी की बेहतरीन फ्रेंचाइज, सोनू निगम या अनवर रफी? सोनू निगम इज बेटर देन अनवर रफी। सोनू निगम इट इज। ओके सर, किस मौसीकार ने रफी साहब की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया? नौशाद साहब ने या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब? नौशाद साहब। मोहम्मद रफी की आवाज पर सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया सर? दिलीप कुमार साहब ने या शमी कपूर साहब? दिलीप साहब। क्या बात है सर, रफी साहब की फैमिली ने आपसे कभी कुछ शेयर किया कि उन्हें कौन सा शहर ज्यादा पसंद था, लाहौर या मुंबई? लाहौर। अरे क्या बात है, क्या बात। कौन सा गीत आपकी नजर में मोहम्मद रफी साहब का ट्रेडमार्क है सर? बहारो फूल बरसाओ या फिर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा? नहीं, सुहानी रात ढल चुकी, वो उनका ट्रेडमार्क लगता है। ट्रेडमार्क। ओके ओके। मोहम्मद रफी साहब का फेवरेट पहनावा, शेरवानी पाजामा या फिर पेंट कोट? घर में जो वो पहनते थे वो अहमद बांधते थे और कुर्ता पहनते थे। सर किस सियासतदान को मोहम्मद रफी ज्यादा पसंद है, मियां नवाज शरीफ साहब को या फिर कासिम के अब्बू को? नवाज शरीफ साहब को। ओके, और कासिम के अब्बा? उनको नुसरत फतेह अली बड़ा पसंद है। ओके ओके, हां बिल्कुल। बल्कि उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में उधर कवाली चला करती थी नुसरत साहब की, वहीं से फिर उन्होंने तहरीक-ए- इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि नुसरत फतेह अली की भी स्टारडम वहीं से फिर शुरू हुआ। और तरतीब ये बनती है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को पसंद थे नुसरत साहब और नुसरत साहब को पसंद थे रफी साहब, तो ये कड़ी बन गई। बेहतरीन सर, शादी ब्याह के वक्त रुखसती का मौका हो तो रफी साहब का ऐसा कौन सा गीत गूंजता है कि माहौल बन जाता है? सर दो ऑप्शन है, बाबुल की दुआएं या रंग और नूर की बारात? बाबुल की दुआएं। बाबुल की दुआएं इट इज। लड़की के घर से बाबुल की दुआएं, मुंडे वाल तो चल रहा होता है लुडी हेजमालो। सर बड़ी खबर किस शहर से निकलती है, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से? बड़ी खबर शहर इक्तदार से निकलती है, लेकिन बड़ी खबर वहां से भी निकलती है जहां बड़ा बंदा कुछ दिन बड़ा जमान हो जाए। बिल्कुल ठीक। सर फेवरेट जर्नलिस्ट, हामिद मीर साहब या फिर नजम सेठी साहब? नजम सेठी। सर 8 बजे की स्लॉट का फेवरेट एंकर कौन है आपका, हामिद मीर साहब या काशिफ अब्बासी साहब? हामिद मीर भाई। दोनों लड़कों के लिए बहुत ही तालियां भाई, बढ़िया खेले। पहला सेगमेंट तो आप पार कर गए सर,
विद फ्लाइंग कलर्स। ओके बेग साहब, अब मैं कुछ गानों के अधूरे बोल सुनाऊंगा और आप मुकम्मल करेंगे, और फहद शहबाज साहब ये बताएंगे कि ये गीत किस पार्टी पर सूट करता है। रेडी सर? ओके। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी था बुझा बुझा, था अजनबी जमाना अपना कोई न था, दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। क्या बात है, भाई वाह। आप बताएं कि ये कौन सी पार्टी पे सादर आता है? नून लीग पे सादर आता है क्योंकि उन्हें मदन मोहन मिल गया है। सर अगला गीत है कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। आपके ख्याल में किन खतूत का जिक्र हो रहा है सर? ये एमक्यूएम के नून लीग को लिखे गए खतूत का जिक्र हो रहा है। आप समझिए कि ये गाना मुस्तफा कमाल गा रहे हैं नून लीग के साथ इत्तेहाद होने के बाद। ओके, बहुत आला भाई, बहुत बढ़िया। सर अगला गीत है जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं तो खालिद मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी तो पे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। ये कौन है पर्दे के पीछे सर? इस्तेहकाम पाकिस्तान। ओके। और ये जो गीत तो लफ्ज हैं कि आपको बेनकाब कर देंगे, तो ये अलीम खान साहब कह रहे हैं तरीकिन साहब को कि भाई मेरे पास बहुत कुछ अभी भी बताने को है। बहुत अच्छा खेल है भाई, बहुत बढ़िया आज के सेगमेंट का। वाह 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 वाह। अब जाते जाते सर एक आखिरी जहमत आपको देनी है, उसके लिए आपको यहाँ तशरीफ लाना होगी। थैंक यू सो मच आप दोनों अहबाब का, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी, बहुत बढ़िया खेले और बड़ा लुत्फ आया, चार चांद लगा दिया, बल्कि आज तो आठ चांद लगे, दोनों के चार चार कर लें। लेकिन जाते जाते हमें रोस्ट कीजिए और हमारे शो के इस सेगमेंट जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग, उसमें हमें भरपूर लुत्फ दीजिए। सर सबसे पहले आगाज करते हैं और आज इतने सानू दो दो जुगता होनी है, कैदर होनी है, कैदर होनी शहरी नन्ना सर जी। पहले फाद भाई आप शक्ल से ही वफाकी गद्दार लग रहे हैं। सर ये तो सहाफियाना हिस्बे बनाता इनके शाया निशान था, सर मौसिकाना क्या है सर इनके लिए, कुछ अता कीजिए, नकद दें इसको सर, मुंह में मारे। मुझे तो ये टक्साली के सिंगम लगते हैं। यार हंसे हंसे जब अपने पॉइंट पे आई जाओ। जी जी अगली बारी सर इन्हीं की आवाज खान साहब की। सर जी फात पापे सोच समझ के जवाब देना क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं कहना। तो बाकी वजीर जलालत। सर आपके ख्याल में ये मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे वो हमारे जो बहुत बड़े फंक्शन जो अमेरिका या कनाडा में करते हैं, कहने लगे हैं, तो वहां पे जो खामोशी से चोरी चोरी पैसे उठाने वाले ना। लारी नू कह रही हुंदी भाई जान इन्हू पता केड़ा रंग करना बेशरम रंग। आप भी कुछ अता कीजिए। अगर फलक साथ बैठी हो गाड़ी में और गाना चल रहा हो कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है, तो बंदा गड्डी खंभे च मार दे। ओके, सो अगली बारी है जोहर।
इस तरह की बच्चियों को ईदी दे तो कहती है अंकल थोड़े और दे हमने आईफोन लेना है। जी सर। ऐसी बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं और पूरी फैमिली में पता चलता है कि ये बड़ी लाइक है, लेकिन मैंगो की बोतल में नमक डाल के कहती हैं गैस तो बनी।